दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, आप ललन टॉप देख रहे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं, लेकिन उनकी रचनात्मकता खूब खुलकर बाहर आ रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं, पेशे से पत्रकार, अहमदाबाद के रहने वाले अभिषेक सिंह राव। उन्होंने रामायण से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया ललन टॉप के साथ। हमें लगा कि वो किस्सा सिर्फ टेक्स्ट के इबारत के फॉर्मेट में नहीं रहना चाहिए, वीडियो के जरिए भी आप तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं आपका सेवक आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे भी रामायण नए सिरे से चर्चा में है, क्योंकि इसका फिर से प्रसारण शुरू हो गया है, रामायण समेत कई महत्वपूर्ण क्लासिक सीरियल्स का। इन्होंने अपने किस्से की शुरुआत 7 मार्च के दिन से की है, जब कपिल शर्मा के शो में मेहमान हुए थे रामानंद सागर की रामायण में राम, सीता और लक्ष्मण का रोल निभाने वाले अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी। इन्होंने बताया कि जब रामायण दिखाई जाती थी टीवी पर, तब इन लोगों को 25-30% फैन मेल पाकिस्तान से आते थे। जी, आपने सही सुना, रामायण के फैन मेल पाकिस्तान से आते थे 80 के दशक के उत्तरार्ध में। इसके बाद पाकिस्तान के गांव का किस्सा सामने आता है कि कैसे सब लोगों ने चंदा जुटाया, क्योंकि उन्हें रामायण देखनी थी और हर हफ्ते देखनी थी। इसके लिए अभिषेक ने फ़ोन लगाया पाकिस्तान में अपने एक पाकिस्तानी मित्र को, जिनका नाम धर्मेंद्र है, जो पाकिस्तान के पंजाब सूबे में बस्ती अमानगढ़ में रहीम यार खान जगह है, वहाँ पर रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि भारत सरकार रामायण का रीटेलीकास्ट कर रही है, उन्होंने तुरंत बात करवाई अपने दादाजी मोहब्बत रामदास जी से, जिन्होंने हिंदू बस्ती को रामायण दिखाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे 80 के दशक में। मोहब्बत रामदास जी बताते हैं कि 80 का उत्तरार्ध और 90 की शुरुआत थी, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान में सोमवार की शाम को 7:30 बजे सोनी चैनल पर रामायण प्रसारित होगी। 90 के दशक की शुरुआत थी, वो खुश हुए, लेकिन दिक्कत थी कि बस्ती में किसी के घर डिश रिसीवर नहीं था, डिश एंटीना और वो सारी चीज़ें नहीं थी। इसके लिए उस वक्त 5,000 पाकिस्तानी रुपयों की ज़रूरत थी। बस्ती में मध्य वर्ग, लोअर मध्य वर्ग सब तबके के लोग रहते थे। 5,000 रुपये जमा करना किसी एक, दो या तीन घरों के बस की बात नहीं थी। सब बस्ती वाले लेकिन इकट्ठा हुए, उन्होंने आपस में चर्चा की। मोहब्बतदास जी कहते हैं कि आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस बातचीत के बाद हर घर ने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक 100 रुपये 50 रुपये दिए और डिश रिसीवर खरीदा गया। बस्ती के पास में एक खाली मैदान था, वहाँ टीवी लगाया गया और फिर सोमवार को 7:30 बजे बस्ती के सब बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान टीवी के सामने आकर बैठ जाते। लगभग 100 घर थे। रामायण वाले दिन महिलाएं अपना चूल्हा चौका जल्दी निपटा लेती, आदमी काम धंधा निपटा कर जल्दी घर आ जाते और बच्चों के तो मज़े ही मज़े थे। 7:30 से पहले किसी का कोई काम बाकी रह जाए या कहीं बाहर भी जाना हो, तब भी कोई रामायण नहीं छोड़ता, बाकी काम मुलतवी कर दिए जाते। मोहब्बत रामदास जी एक बात पर जोर देते हैं कि हमने और भी बहुत सारी रामायण देखी, लेकिन रामानंद सागर जी ने जिस तरह से किरदारों को चुना था और उन किरदारों ने जिस तरह काम किया, मतलब कमाल ही कर दिया। हमारे आंसू रोके नहीं रुकते थे जब हम राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान को टीवी पर देखते थे। पाकिस्तान में रामायण के प्रभाव के बारे में बात करते हुए मोहब्बत रामदास जी कहते हैं, यहाँ के मुसलमान भी रामायण पसंद करते थे। उस दौर में हमारे आसपास के मुस्लिम अक्सर ऐसी बातें करते और आज भी करते हैं कई, कि अगर भाइयों का सलूक देखना हो तो राम, लक्ष्मण और भरत से सीखना चाहिए। रामदास जी आगे कहते हैं कि अब तो हमारे पास मोबाइल कंप्यूटर आ गए, मैंने रामानंद सागर की रामायण के सब एपिसोड कंप्यूटर में सेव कर रखे हैं और कितनी ही बार देखता हूँ, फिर देखने की तलब रहती है। रामदास जी का बार बार जिक्र आ रहा है, मोहब्बत रामदास जी का। बस्ती अमानगढ़ में उनका काफ़ी रसूख है, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उर्दू में किताब भी लिख चुके हैं मुक्ति का मार्ग इस नाम से। मोहब्बत रामदास जी ने पहली बार टेलीकास्ट हुई रामायण के सभी एपिसोड्स के रिपीट टेलीकास्ट भी देखे, जब रामायण खत्म हो गई तो CD DVD खरीद कर देखे और फिर कंप्यूटर पर देखने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना सीखा, और इसी को देखकर उन्होंने विचार अपने लिखने के लिए टाइपिंग भी सीखी, और टाइपिंग सीखने के बाद उन्होंने भगवत गीता का उर्दू में अनुवाद भी किया और कई किताबें भी लिखी। ऐसे बुजुर्ग हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, कितने सक्रिय हैं। और रामायण तो कल्ट थी ही, उसमें जब वो तीर चलते थे और टकराते थे और फिर उसके बाद जो म्यूज़िक की आवाज़ आती थी और
तीरों के आगे जो स्पेशल इफेक्ट होता था वो मेरे बचपन की सबसे अनमोल यादों में से एक है। और वो जो रविंद्र जैन का संगीत और जो मानस की चौपाइयाँ एक फ्रेम फ्रीज कर दिया जाता था, सब कुछ अद्भुत था। रामायण वो कहानी है जो इस देश का, इस समाज का अभीष्ट होनी चाहिए। रामायण मर्यादा की कहानी है, इस देश को मर्यादा की बहुत ज़रूरत है। और ये वो मर्यादा नहीं है जो कुछ ठेकेदार अपनी व्याख्याओं के हिसाब से बताते हैं, ये वो मर्यादा है जो सबसे ज़्यादा स्वयं पर काम करने के लिए कहती है। शुक्रिया।